चाहे आपको किसी सब्जी की चटनी बनानी हो या फिर कोई जूस, आप सभी इस मिक्सर का यूज तो करते होंगे। लेकिन दोस्तों शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन मिक्सर ग्राइंडर को कैसे बनाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं मिक्सर की मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस मैन्युफैक्चरिंग की पूरी नॉलेज मिल सके। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन की हेल्प से इसके शेल यानी आउटर साइड वाले पार्ट को तैयार किया जाता है। पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी कार्बन फाइबर के साथ रेड प्लास्टिक का यूज किया जाता है। यह प्लास्टिक इसके आउटसाइड बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। दोस्तों यह मशीन इस प्लास्टिक को पिघलाकर इसके मिक्सर वाले शेप को तैयार करती है। इस प्रोसेस के बाद इस मिक्सर की कैपुट मोटर को तैयार किया जाता है, जिसके लिए कॉपर के साथ आयरन वायर का भी यूज किया जाता है। यहाँ एक ऑटो रोबोटिक मशीन द्वारा अपने ऑटोमेटिक पार्ट से कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों ये मोटर जल्दी ही बनकर तैयार हो जाती है क्योंकि इसके आउटर शेल को तैयार नहीं करना पड़ता है। इस मोटर मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब इन मोटर पर लगने वाली ब्लेड्स को तैयार किया जाता है, जिनको स्पेशलिस्ट इंजीनियर द्वारा निर्धारित शेप के आधार पर तैयार किया जाता है। इन ब्लेड्स को तैयार करने के लिए आयरन शीट के साथ एल्यूमिनियम धातु का यूज किया जाता है। ये एल्यूमिनियम धातु स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जिन्हें पतला करने पर यह बहुत मजबूत और धारदार हो जाती हैं। फाइनली इन ब्लेड्स को शाफ्ट माउंट पर असेंबल कर दिया जाता है, जिसे बाद में मिक्सर ब्लेंडर के साथ अटैच किया जाएगा। इस प्रोसेसिंग के बाद अब इस मिक्सर के जार वाले पार्ट को तैयार किया जाता है, जिसे तैयार करने के लिए रिसाइकलिंग कांच का यूज किया जाता है, जिसे बहुत ज्यादा तापमान पर पिघलाकर इन जार्स को तैयार किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में अब इन मिक्सर के ब्रेन यानी मदरबोर्ड को तैयार किया जाता है, जो मोटर की पावर को बढ़ाता है और कम करता है। फाइनली इन जार्स की टेस्टिंग होती है और इसी के साथ इनमें ब्लेड्स को भी असेंबल कर दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इस मिक्सर की संपूर्ण असेंबलिंग की जाती है, जिसमें स्विचेस, मोटर, वायर सभी को अटैच कर दिया जाता है। अब फाइनली इन सभी की टेस्टिंग करके इन्हें सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरफ फैक्ट्री में बनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को इलेक्ट्रिक कलर में बदलता है, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर फैक्ट्री में सोलर पैनल को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में सोलर पैनल को कैसे बनाया जाता है। सूर्य से ऊर्जा को कलेक्ट करने के लिए एक कलेक्टर डिवाइस की जरूरत होती है, जिसे साइंस की लैंग्वेज में सोलर सेल कहा जाता है। इसीलिए सबसे पहले फैक्ट्री में सिलिकॉन की पतली वेफर पर स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस की हेल्प से एल्यूमिनियम की माइक्रोवायर्स को अटैच कर सोलर सेल को बनाया जाता है, जो कि सोलर पैनल का एकदम खास पार्ट होता है। अगली प्रोसेसिंग में इस सेल को एक हाई टेम्परेचर ओवन से गुजारकर इसके एल्यूमिनियम वायर्स की जांच की जाती है, ताकि सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग में कोई गड़बड़ ना रहे। इस प्रोसेस के बाद लेजर कटिंग मशीन द्वारा इस सेल को निर्धारित शेप में काटकर इससे स्ट्रिंग प्लेट को तैयार किया जाता है। दरअसल स्ट्रिंग प्लेट में इन कटिंग सेल को प्लस माइनस के एक निर्धारित स्टेप में असेंबल किया जाता है, जहाँ इन सभी सेल को एल्यूमिनियम के वायर से एक बार और अच्छी तरीके से अटैच कर दिया जाता है। अब यह स्ट्रिंग्स प्लेट एकदम बनकर तैयार है।
अगली प्रोसेसिंग में इस प्लेट की वायर को सोल्डरिंग की जाती है, साथ ही इसके एक्स्ट्रा मटेरियल को भी ट्रिमर से काट दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस प्लेट को ईवी और बेक शीट से कवर कर दिया जाता है ताकि यह प्लेट वाटर या डस्ट के कारण खराब ना हो। अब ईएल टेस्टिंग टेक्निक द्वारा इस फुल स्ट्रेंथ प्लेट की जांच की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद इस प्लेट को लेमिनेट मशीन में भेजा जाता है, जहां 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस पर लेमिनेशन की परत को चढ़ाया जाता है, जिससे प्लेट वाटरप्रूफ हो जाती है। अब पुनः लेमिनेशन कवर के एक्स्ट्रा मटेरियल को काट दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद एक फ्रेम कटिंग सेक्शन में सोलर पैनल की शेप के हिसाब से फ्रेम को कट किया जाता है। अब इस फ्रेम को सेलेंड पेस्ट की हेल्प से स्ट्रिंग प्लेट के साथ अच्छी तरीके से चिपका दिया जाता है और साथ ही पंचिंग मशीन द्वारा परमानेंटली जॉइन कर दिया जाता है। अब इस प्लेट पर पुनः सेलेंड पेस्ट का यूज करके इसके आउटपुट जंक्शन बॉक्स को फिट किया जाता है, जहां से मेन करंट प्रोड्यूस होता है। अब इस पैनल पर कंपनी की ब्रांडिंग कर तथा इसकी अच्छी तरीके से टेस्टिंग कर इसे पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में सोलर पैनल को बनाया जाता है।